तो और बच्चों का हाल चाल, तो आज हम बात करेंगे हमारे गेमिंग कूलर के बारे में जो आपके मोबाइल को रखेगा ठंडा ठंडा कूल कूल। तो आपको तो पता है कि गर्मियां शुरू हो चुकी है और अपने डिवाइस गेम खेलते हुए लैग होते हैं, किसके वजह से? गर्मी के वजह से अटकता है, मरते है, क्या ही करे। इसका सोल्यूशन मैंने ला लिया है, एकदम खतरनाक वाला बजट फ्रेंडली ये कूलर है। स्पॉन्सर ने ये खुद खरीदा है भाई। रही बात इसके प्राइस की, परफॉर्मेंस की, इसके फीचर्स की, वो भाई कतई तगड़े है। तो आज मैंने इसका एकदम खतरनाक वाला तगड़ा रिव्यू भी कर दिया है और आधा घंटे में भाई मैंने इस पे गेम खेला, ऐसा चल रहा था ना कतई मक्खन। आप भी देखोगे ना तो शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो गेमिंग कूलर को ना अनबॉक्स करते हैं और उसके फीचर्स है ना भाई आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि भाई ये फीचर है ना कतई तगड़े है। खैर इसके अंदर है ना एक डिसेंट सा डब्बा आता है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। जैसे कि इसके कपड़े से उसे जज नहीं करते ना, वैसे इसके पैकेजिंग से इसको जज मत करना। तो इसकी प्राइस है अमेजोन पे 1300, मतलब 1300 रुपए का ये पंखा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। एंड साथ में ना हमें ये फुटफुटिया मिलते हैं, इसको कब तक भी फोड़ते बैठो, गेम खेलने का मरते ना अपन, बंदे खेलते रहते ना अपन फोड़ते बैठेंगे। और रही बात इसके ऊपर है ना, इसके फीचर्स हाईलाइट किए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले फर्स्ट लुक देखो और अंदर की प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो। और ये जो चीज है ना भाई, मुझे तो पहले लगा भाई कैमरे जैसे ही है, लेकिन कोई ना, उसकी डिजाइन है एकदम खच्ची दिख रही रे बच्चा। तो इस डब्बे में हमें बस दो ही चीजें मिलती है, एक तो कूलर और ऊपर से लंबी सी तार जिससे हम हमारे नूप्टमेट को है ना फांसी दे सके। साले ठीक से खेलती ही नहीं है, तो इसकी क्वालिटी है ना भाई अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसकी लेंथ है ना भाई अच्छी खासी है, मतलब आप है ना एकदम अच्छे से बेड पे बैठ के अपना जो है ना प्लग वो नीचे लगा सकते हो और अच्छे से खेल सकते हो। तो मैंने इसे प्लग कर दिया है और सेटअप कर दिया है और नीचे से एक हल्का सा छोटा सा बटन है, उसको दबाने के बाद ये चालू होने वाला है। एंड इसे जैसे ही दबाता हुआ ना भाई, मुझे तो लगता है इसका पारा बहुत जल्दी नीचे जाएगा। लेकिन भाई ये पीछे से ठंडा हो रहा है अभी है ना भाई, इसका नॉइज तो कुछ ही नहीं आ रहा। आप देखो, आपको नॉइज आ रहा है क्या? इसका नॉइज कुछ भी नहीं आता। अगर आप माइक ओपन करोगे ना तो आपके टीममेट के कान नहीं बजेंगे। और रही बात इसका जो पीछे से है ना भाई, आप देख रहे हो यहाँ पे ना थोड़ी सी भाप जैसा जमा हो रहा है, तो वो जब ठंडा होता है ना तब आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, कैमरे में दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये ठंडा होने के बाद है ना जो साइड की जो गर्मी है ना वो अब्सॉर्ब कर रहा है और उस पर है ना पानी जमा दे रहा है। इस पर अगर एक दो बूंद डाल दूंगा ना तो वो बर्फ हो जाएगी 100%। एंड इसका जो टेम्परेचर है ना भाई बहुत ही नीचे जा रहा है। और जहां पे पिन है ना उसके साइड में एक छोटा सा बटन है, उसको दबाने के बाद ये चालू जाता है। और ये जिस मटेरियल से बनाया ना एकदम हार्ड है, एकदम खच्ची है, इसका साउंड भी नहीं आता। बस इसमें एक कमी है कि इसमें आरजीबी नहीं है। गेमर्स को है ना भाई आरजीबी पसंद आती है, वैसे मुझे तो पसंद नहीं आती है क्योंकि है ना वो थोड़ा मेरे पावर बैंक की ना एक्स्ट्रा चार्ज अब्सॉर्ब करता है इसलिए। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसको है ना एकदम प्लग करते हैं, अपने मोबाइल से अटैच करते हैं और गेम खेल के देखते हैं क्या सही में ये एकदम खतरनाक है। खैर सब चीजें मैंने अच्छे से सेट कर दी, रूम का फैन भी ऑफ कर दिया और मैंने है ना पहले 30 मिनट्स गेम खेला और मेरे मोबाइल को है ना अच्छा खासा गर्म किया। अब इसका है ना टेम्परेचर 31 है, लेकिन सही में बोल रहा हूँ भाई ये 40 के ऊपर है। इसमें है ना ज्यादा काउंट नहीं हो रहा, पीछे का हो रहा, सामने से स्क्रीन कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुकी है। अभी क्या करता हूँ मैं पता है, 35 मिनट्स तक गेम खेलता हूँ और स्टेबल होता कि नहीं बस देखेंगे अभी अपना टेम्परेचर। अभी तो भाई कतई ज्यादा ही गर्म हो रखा है एंड इसका टेम्परेचर 31 है। अब देखेंगे हर एक टीडीएम के बाद में ना मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है और स्क्रीन पे भी लिख दूंगा ताकि आपको है ना समझ आए। तो चलो आपको सिक्स फिंगर गेम प्ले दिखाता हूं विद टीडीएम बच्ची के दिल में पोपट लाल। यहाँ पे मेरा टीडीएम का फर्स्ट मैच कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मुझे है ना भाई मोबाइल ठंडा फील हो रहा है। मतलब अब देखो इसने कितना परसेंट डिक्रीज किया, मतलब 10% डिक्रीज किया, 31 था अभी 21 हुआ है। मतलब भाई ये कतई खतरनाक एक्सपीरियंस दे रहा है। एंड भाई मुझे है ना यहाँ पे उसकी थोड़ी बॉडी है ना थोड़ी सी हीट लग रही थी, लेकिन मेरा मोबाइल है ना भाई बहुत ठंडा हो गया और बीच में कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया। अभी आगे इंजॉय करो।
2000 years later. तो यहाँ पे मेरे लगभग 30 minutes कंप्लीट हो चुके हैं एंड भाई मैं है ना खुद शौक हूँ, क्योंकि मेरे पास जब कूलर नहीं था ना तो भाई मैं बहुत ज्यादा जूझ रहा था, लेकिन अभी मेरे पास जब कूलर आ चुका है ना भाई, मेरा गेम प्ले इतना मक्खन चल रहा है एंड इसने ना भाई इसको 20 पे एकदम स्टेबल रख लिया है। ऊपर से मेरे रूम का भाई फैन और वो सब ऑफ था, अगर मैंने उसे ऑन कर दिया ना तो और भी नीचे जाएगा टेम्परेचर, मतलब है ना भाई मजे ही मजे। एंड अपना जो मोबाइल है ना भाई कतई हीट नहीं हो रहा था, हाथ को एकदम ऐसा ठंडा ठंडा फील हो रहा था, भले ही मुझे साइड से सब तरफ है ना भाई एकदम पसीना आ गया, लेकिन हाथ को है ना भाई कतई अच्छा लग रहा था। एंड भाई इस कूलर की प्राइस के रेंज के अंदर है ना भाई ये कूलर सबसे खच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड प्राइस तो आप जान ही लिया, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप एक अच्छे गेमर हो और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो इसी कूलर में इन्वेस्ट करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको बाय करना है तो कर लेना। वैसे कोई स्पॉन्सर नहीं है इसलिए इस पे ना कोई कोड वोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं कमेंट में बता देना, और आगे के वीडियोस है ना भाई कभी खच्चे आने वाले हैं। एंड आपको हैंडकैम चाहिए कि नहीं, सिक्स फिंगर गेम प्ले कैसा है अपना कमेंट में बताओ रे जरा। बच्ची दिल में पोपट लाल, बाय बाय।